देखिए क्या है कि समस्या हो गया था यहाँ इस ट्रेन में, जब जब से ट्रेन में बोर्ड किया था। क्वांटिटी देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये संज्ञान देना जरूरी है ताकि उनको भी पता चले उनके पीछे ये क्या होता है। अरे बच्चे ऐसे चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, खाने के साथ बिल भी आया है। बहुत है, दो इधर आपको दिख रहा होगा और दो उधर भी है। हाजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़े हैं और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12580 पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में दो दिन चलती है, मंडे को और फ्राइडे को, दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से सहरसा रेलवे स्टेशन के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है शाम में 5:10 पे निकलती है और आपको अगले दिन शाम 6:50 पे सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और आज इस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, थर्ड एसी कोच में कोच है B1। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी सीट पे और ये लोअर बर्थ है, 36 नंबर सीट है अपना। लगेज तो फिलहाल अभी नीचे रख दिए हैं, लेकिन देख रहे हैं ठंड के समय में यही होता है, ठंड में अगर ट्रैवल कीजिएगा ना तो रजाई कम्बल सामान एक्स्ट्रा हो ही जाता है। मेरा नहीं है भाई, मेरा लगेज अंदर है। पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है गाजियाबाद के WAP-7 लोकोमोटिव के साथ। ये रहा लोकोमोटिव। ये सहरसा गरीब रथ, नहीं भागलपुर गरीब। अच्छा 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 भागलपुर गरीब रथ। कितना बजे उसका टाइम है? ये 5:20। देखते हैं, जब आपको देखिए सूट करते हुए। हाँ नहीं नहीं सही, आपका बहुत सारा वीडियो सही है। अभी समस्तीपुर गई है। हाँ समस्तीपुर गई। तो अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। ये देखिए, देख रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, अभी जस्ट डिपार्चर हुआ है ट्रेन का, पानी है ही नहीं। देखिए इस ट्रेन में पैंट्री से जो चाय बेचा जा रहा है, 150 ml देना होता है, ये 10 का चाय है। और देखिए कितना क्वांटिटी देख रहे हैं आप, ये देखिए स्कैम, इसे कहते हैं स्कैम। थोड़ा आराम से सो करके जाएगा बस। जी पहले एक दो को ये दे दिए हैं 20-20, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही तरीके से काम कीजिए, नहीं तो कंप्लेन होगा तो फिर गलत हो जाएगा। आप ही लोग की तरह गरीब मजदूर ट्रैवल कर रहा है ना, उसमें ना ट्रेन में कौन चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि समस्या हो गया था यहाँ इस ट्रेन में, जब जब से ट्रेन में बोर्ड किया तब से देख रहे हैं, चाहे जो है ना वो हाफ कप बेचा जा रहा था, तो सोचे आके मैनेजर सर को बता दें ताकि इनको नहीं पता होगा इनके स्टाफ इनके पीछे क्या करते हैं, वो हो गया। ऊपर से रेल ने भी जो 20 में बेचा जा रहा था, तो इसलिए हम बता दिए ताकि इनको जानना जरूरी है ना, तब तो ये एक्शन लेंगे ना, क्योंकि इनको भी नहीं पता रहता कि इनके पीछे स्टाफ क्या करते हैं। क्या सही बोल रहे हैं? सबको समझा के बोल दीजिए, ठीक है, वैसा नहीं है। नॉर्मल स्पेशल थाली बेच रहे, कोई दिक्कत नहीं, बेची है, लेकिन टेंडर बेचने के बारे में भी बोलिए दोनों, क्योंकि सब लोग जो है ना वो मतलब 150 की थाली 130 की थाली नहीं ले पाता, बहुत लोग है रेटेज सुन के ना खाना नहीं लेता। 80 वाली थाली के बारे में भी बोलिए, जो भी ऑर्डर लेंगे वो भी बोलेंगे कि हमारी 80 वाली भी थाली है, वो बोलेगा वो भी मिल जाएगा, सही रहेगा। ठीक, कहाँ से आप? बरौनी। बरौनी से हैं। बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट गाजियाबाद रेलवे स्टेशन। अभी फिलहाल हम पैंट्री में थे,
कि भाई क्या हो रहा था बैठने में पता है, जब से ट्रेन में बोर्ड किया है ना, स्कैम पे स्कैम, 20 का पानी, चाय हाफ कप भर के बेचा जा रहा था। हम सोचे कि पेट्री मैनेजर को ये बताना जरूरी है, उनको ये संज्ञान देना जरूरी है, ताकि उनको भी पता चले उनके पीछे ये क्या होता है। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। वैसे इस ट्रेन में पेंट्री है, तो पेंट्री से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि घर से ही खाना लेके आए, आलू पराठा लाया गर्मा गर्म। तो हम लोग डिनर में, आज फर्स्ट डे है, तो हम लोग आलू पराठा ही खाने वाले हैं। वैसे आप चाहे तो पेंट्री से ले सकते हैं, स्टैंडर्ड वेज मील भी मिलेगा आपको। अगर आप बोलिएगा मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, तो आपको मिलेगा 80 वाली थाली। वैसे इस ट्रेन में वेज थाली जो है वो 120 में बेची जा रही है, नॉर्मल स्पेशल थाली। और आप स्टैंडर्ड वेज मील का डिमांड कीजिएगा तो वो भी आपको 80 में मिल जाएगा। जाके बोले हैं, पेंट्री मैनेजर से मुलाकात की है, उनको बोले हैं, तब जाकर पूछ पूछ के जिनको लेना है उनको 80 वाली थाली को दे रहे हैं। चलिए फटाफट हम लोग करते हैं डिनर को कंप्लीट, और उसके बाद आपसे मिलते हैं अगले रेलवे स्टेशन पर। साहब 155 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का दूसरा हॉल्ट, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है MB, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन का मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 8:18 और 5 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ रुकती है, लेकिन आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है, लगभग 10 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। वैसे अपनी पूर्विया एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये टोटल 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस ट्रेन को 1180 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगता है लगभग 25 घंटा 40 मिनट का, और ये ट्रेन जो है वो इसका हॉल्ट है टोटल 21। वैसे आज का जो दिन है वो काफ़ी शुभ है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि 500 वर्षों के बाद आज प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं, और पूरे देश में भाई साहब दिवाली मन रहा है, फटाके छोड़े जा रहे हैं, दीपोत्सव का हर घर में दीप जल रहा है। हमने आपको थोड़ा सा फटाका का नज़ारा दिखाया था अराइवल से पहले, तो ये है पूरे देश का यही हाल है। बहुत मतलब खुशी की बात है ये कि 500 वर्षों के बाद अपने प्रभु श्री राम टेंट से अब महल में आए। वैसे 5 मिनट हॉल्ट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह किया जा रहा है इस ट्रेन में। आज के दिन मुरादाबाद GRP थाने को भी सजाया गया है बैलून से। ये देखिए दिवाली मनाया जा रहा है, तो चलिए अब सोते हैं। वैसे आज का दिन बहुत ही भागदौड़ वाला रहा मेरे लिए। वैसे सारा दिन तो टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे, उसके बाद भंडारा था, भंडारा में गए, वहाँ पे थोड़ा हेल्प किए, फिर ट्रेन थी, ट्रेन पकड़ के फिर ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। वैसे हम लोग का सीट है साइड लोअर है, और मिडिल बर्थ वाले जो भी हैं वो अपना सीट उठाए हुए हैं, तो बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। लगेज इतना लेके आए ना को पैसेंजर कि बड़ा मुश्किल से खाना खाए। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ, आज का दिन बहुत ही यादगार वाला दिन रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि आज वर्षों के बाद अपने प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे हैं। चलिए जय श्री राम के साथ।
आज के दिन को समाप्त करते हैं, और आप लोग भी कमेंट में जाके एक बार जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो 750 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 8वां हॉल्ट उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है GKP, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। गोरखपुर में अपनी इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहां पे लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के मैनेजर चेंज होंगे, साथ ही अपने ट्रेन में वाटर फिलिंग किया जाएगा। 7:55 टाइम था इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का, हम लोग यहां मतलब 20 मिनट डिले पहुंचे हैं। डिले होने का रीज़न है फॉग। वैसे गोरखपुर जो है ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हर फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा नॉर्मली जो हर बड़े रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है। इवन आपको डोरमेट्री रूम रहने के लिए वो भी मिल जाएगा। और यहाँ से नेपाल की जो दूरी है ना वो लगभग 85 किलोमीटर की है, यहाँ से नेपाल नज़दीक है। साथ ही गोरखपुर किस चीज़ के लिए जाना जाता है आप सभी को पता है, गोरखमठ के लिए, साथ ही गीता प्रेस के लिए जाना जाता है। सुबह में वैसे ब्रेकफास्ट में आपको इस ट्रेन में ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा, लेकिन हम पैंट्री से ट्राई नहीं किए हैं, देखते हैं स्टेशन पर अगर कुछ मिला तो लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पे वाटर फिलिंग कर दिया गया है कोच में, तो 10 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे हम सोचे थे कुछ ब्रेकफास्ट देखते हैं, कुछ मिल जाए तो लेंगे, लेकिन मिल रहा था ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिल रहा था, लेकिन ब्रेड ऑमलेट सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हम किए नहीं। ट्रेन में भाई ब्रेड ऑमलेट, वेज कटलेट और पनीर पकौड़ा मिल रहा है,
ये ब्रेकफास्ट अभी करना नहीं सोच रहे हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं आज और डायरेक्ट लंच करते हैं। पेंट्री का लंच हम लोग फ्राई करेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे ट्रेन लगी थी ना, पास में नहीं मिल रहा, अगर मिलता तो फ्रूट्स ले लेते। ऐसे देखते हैं अगले रेलवे स्टेशन पे अगर फ्रूट्स मिलेगा तो वो लेंगे, वो ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच तो पेंट्री का हम लोग आज ट्राई। और मेरे कोच में देखिए बच्चा बुतरू बहुत है, दो इधर आपको दिख रहा होगा, दो उधर भी है। तो 870 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 11वां हॉल्ट बिहार के सीवान जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है SV और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे सीवान रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:10, लेकिन आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 45 मिनट डिले। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है सीवान और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 80 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और क्या आप सभी को पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी जन्मभूमि है ये सीवान। वैसे अपनी ट्रेन जो है सीवान जंक्शन पे आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए ब्रेकफास्ट के लिए, फ्रूट्स स्पेशली फ्रूट्स खाते हैं हम, वही ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। ठंड का मौसम है ना, तो भाई साहब वेंडर भी जो है ना फ्रूट्स वाले नहीं दिख रहे हैं। और ये है सीवान जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। मेरे को पैसेंजर है, रात में थाली खाए थे ना आप? जी। कितने का दिया थाली? 120 का थाली इनको दिया गया। भाई अगर आप ये स्टैंडर्ड वेज मील बोलते कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए तो उन्हें भी ये मिलता, अगर ये बिल का भी डिमांड करते ना तो 80 वाली ही थाली मिलता, क्योंकि 120 का कोई बिल नहीं निकलता। इनको नहीं पता था, आप जानकारी हो गया तो आगे से ये स्टैंडर्ड वेज मील ट्राई करेंगे। चलिए वैसे मैं आपको दिखा दूँ स्टैंडर्ड वेज मील भी, ये देखिए राइस है, दाल है और ये आलू और इसका क्या गोभी का सब्जी है, बीन्स भी है इसमें, दो पराठा दिया गया है, ये दही है और टिश्यू पेपर भी है, अचार भी है। तो अभी आलू बीन्स गोभी का सब्जी ट्राई किए, बहुत बढ़िया है खाना। अभी पता नहीं ये सब्जी सबको दिया जा रहा है कि हम ही को दिया गया है, घर जैसा सब्जी होता है ना, कैसा है
दाल देख लेते हैं कैसा। दाल ओके ओके कह सकते हैं, दही फ्रेश है कि नहीं। दही भी फ्रेश है, सही है। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं लंच को कंप्लीट, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वैसे सिवान रेलवे स्टेशन पे कुछ पैसेंजर अपने कोच से डिवोर्ड किए हैं, सीट खाली हो गया साइड लोअर वाला, तो वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं। नहीं तो भाई साहब लोअर बर्थ में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देखिए लंच करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं छपरा जंक्शन, और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकेगी 10 मिनट के लिए, और सामने में लगी हुई है मौर्य एक्सप्रेस। हाँ ठीक है, घर वाली चाय यहाँ पे पी सकते हैं आप लोग, ठीक है। चाय वैसे भाई देखने में तो फ्रेश लग रहा है, चना है, मूंग है, इसमें ये कहते हैं टमाटर है, गाजर है, नमक नींबू डाला गया है। तो 1080 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 16वां हॉल्ट बरौनी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BJU, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। बरौनी जंक्शन रेलवे स्टेशन ये आता है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग वगैरह किया जाएगा अपने कोच में। वैसे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बरौनी जंक्शन, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 150 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है बरौनी जंक्शन पे। और बरौनी को हम लोग बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। वैसे चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, 6 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, 6 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है, 2 सेकेंड एसी, 1 फर्स्ट एसी और 1 थर्ड एसी इकोनॉमी का भी कोच इसमें लगा हुआ है, साथ में पेंट्री कोच के साथ चलती है ये ट्रेन। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगस्त में ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड, मतलब ANVT आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से सहरसा रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 530 रुपया। वही अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1440 रुपया। वही सेकंड एसी का फेयर है 2100 और फर्स्ट एसी का फेयर है 3500, मतलब 3500 रुपया। सोल्यूशन मत मारना, ठीक है। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ, हो गया झाड़ू लगा दिया, अब लगाएगा, अभी चढ़ेगा यहाँ पे, फिर उतरेगा कहाँ, खगड़िया, खगड़िया जो पैसा देता है उसे तुम सोल्यूशन पी लेता है, नशा मत करो, ठीक है, गलत बात है, हाँ मत करो नशा। तो भाई साहब एकदम नशे में हैं धुत, ये अपने झाड़ू लिए हुए हैं, अभी यहाँ जाएंगे कोच में। और फिर वैसे तो इस ट्रेन में OBHS स्टाफ है, फिर भी आप इसे पहले भी देखे होंगे बहुत सारी ट्रेन में जाके, मतलब झाड़ू लगाते हैं, फिर कुछ लोग पैसा देते हैं, फिर उसी पैसा का ये लोग नशा करते हैं। देखिए आपको बाहर दिखाए थे ना, ये अभी आ गए अंदर इतना झाड़ू लेके। सही तो क्या
तो भाई कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं सहरसा रेलवे स्टेशन। उससे पहले मैं आपको इस ट्रेन का वाशरूम का कंडीशन दिखाता हूं। तो देखिए वाशरूम में जाने से पहले सबसे पहले देख लीजिए मिरर की साफ़ सफाई सामने में। और सुबह में मतलब जब कल ट्रेन निकली थी ना उस वक्त पानी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद कंप्लेन करने के बाद सही हो गया, अभी पानी फ़िलहाल आ रहा है। चलिए मैं आपको वाशरूम का कंडीशन दिखाता हूं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वाशरूम में। और वाशरूम में आते ही जैसे कि सभी ट्रेन में होता है मिरर के सामने में मिरर देखने को मिलेगा आपको, साफ़ सफाई आप देख ही सकते हैं सही है, ऊपर लाइट लगा हुआ है। और ये रहा टॉवेल होल्डर, बेसिन की साफ़ सफाई सही है, पानी भी आ रहा है। और लिक्विड सोप जो है कंप्लेन करने के बाद रखा गया है, वैसे नीचे डस्टबिन है। देखा जाए तो साफ़ सफाई ठीक ठाक है, एवरेज आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात है भाई, दो बार कंप्लेन करना पड़ा है तब जाके वाशरूम की कंडीशन ऐसा दिख रहा है आपको, नहीं तो ऐसा कंडीशन नहीं रहता है इस ट्रेन का जनरली। अरे बच्चे ऐसे चलने के लिए होता है, वो तो अपने वो तो बच्चे छोटा बच्चे। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सहरसा रेलवे स्टेशन और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 15 मिनट डिले। वैसे पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन का सहरसा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है 6:50। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो पंक्चुअलिटी आपने देख ही लिया, लगभग मतलब पंक्चुअली ट्रेन आप कह सकते हैं इस मौसम में, ठंड के मौसम में भी मतलब सिर्फ 15 मिनट डिले चल रही है। वैसे तो बहुत ट्रेन भाई रिशेड्यूल हो गई, दो दो घंटा लेट भी चल रही है, लेकिन ये ट्रेन सही है टाइमिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो। लेकिन हाँ, इस रूट में सबसे बेस्ट ट्रेन माना जाता है वैशाली सुपर फास्ट को, वो एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये पुरबिया एक्सप्रेस ट्रेन इसे लोग चूज करते हैं। ये वीक में सिर्फ दो ही दिन चलती है, वैशाली हर दिन चलती है, इसलिए मोस्टली जो है ना जिन्हें आना पड़ता है सहरसा वो वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं। रही बात खाने पीने की, तो उस ट्रेन में पेंट्री कोच है, अगर आप बोलिएगा तो भाई साहब क्या खाना खिलाया गया स्टैंडर्ड वेज में, मतलब ऐसा खाना नॉर्मल हम किसी ट्रेन में इसमें पेंट्री है बहुत कम मिलता है खाने को। एक नंबर घर जैसा सब्जी था, रोटी भी मतलब पराठा भी सही था, दाल भी सही था, राइस भी गर्मा गर्म मिला, दही भाई एक नंबर, सुधा का दही अगले स्टेशन से ला के हम लोग को खिलाया गया। भाई अगर हम बताने बाकी पैसेंजर को क्या खिलाया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन 120 की थाली उन्हें दी जा रही थी, वही अगर आप बोलिएगा ना स्टैंडर्ड वेज में तो आपको सही थाली मिलेगा, प्रॉपर रेट पे मिलेगा, बिल के साथ मिलेगा। तो क्या करना है आपको, जब भी जर्नी करें स्टैंडर्ड वेज मील का डिमांड जरूर करें। ये रही खाने की बात, रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई एवरेज है। जब ट्रेन निकली उसी वक्त गंदगी था, पानी नहीं आ रहा था, उसी वक्त कंप्लेन किए, आगे साफ़ सफाई हुआ, फिर अगले दिन भी साफ़ सफाई हुआ, तब जाकर मेरा कोच का कंडीशन सही था, ठीक ठाक था। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून इन द पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।